हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मैंक एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। सो आज हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, इसमें आज हम बात करेंगे सॉयल एंड क्लाइमेटिक प्रेविलेंस इन रेनफेड एरियाज, यानी कि वर्षा आधारित क्षेत्रों में आपका मृदा और जलवायु की परिस्थितियाँ क्या है। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सॉयल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन प्रेविलेंट इन रेनफेड एरियाज, यानी कि वर्षाधार क्षेत्रों में मृदा और जलवायु की परिस्थितियाँ, इसके बारे में देखेंगे हम। इंट्रोडक्शन बात करेंगे, पहले परिचय इसका, इसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे हम। सॉयल एंड क्लाइमेटिक आर टू मेजर फैक्टर दैट डेडिकेट द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स इन रेनफेड एग्रीकल्चर, यानी कि वर्षा आधारित क्षेत्रों में पहला कि मृदा और दूसरा आपका जलवायु, ये दो जो फैक्टर है बहुत ज़्यादा ये डिपेंड करते हैं प्रोडक्टिविटी पे, यानी कि फसलों की पैदावार कैसी हो रही है। पहला डिपेंड करेगा आपके सॉयल पे, दूसरा करेगा क्लाइमेट पे यानी कि मृदा पे और आपके जलवायु पे। अगर ये अच्छे होंगे तो आपका प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, अगर कहीं कहीं ये लॉस करेंगे तो आपको जो प्रोडक्टिविटी है वो उतनी नहीं मिलेगी। ओके, रेनफेड सॉयल आर जनरली पुअर क्वालिटी, हम बात कर रहे हैं वर्षा आधारित क्षेत्रों की, तो यहाँ की जो मिट्टी होती है, यहाँ की जो मृदा होती है, इसकी क्वालिटी कैसी होती है, पुअर क्वालिटी होती है, यानी कि यहाँ की जो मृदा होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है। दीज हैव वेरी वीक बफरिंग एंड रेजिलेंस कैपेसिटी, इसके पास जो बफरिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत वीक होती है। अब ये होता क्या है, नॉर्मली तो मैं ऐसे भी बता दूं कि यार बफरिंग कैपेसिटी इसका ये है तो आप बट ये है क्या, अब देखिए होता क्या है कि जो हमारी सॉयल है उसमें अगर इरोडिंग आ रही है, यानी कि सॉयल इरोजन आ रहा है और किसी वजह से उसकी जो पीएच घट जा रहा है। ओके, ध्यान दीजिएगा, अगर सॉयल है हमारा उसमें कोई भी इरोजन हो रहा है या तो फिर जो सॉयल है उस पर कुछ ऐसे अनवांटेड एक्टिविटी हो रही है जिसकी वजह से उसका पीएच घट जा रहा है, तो यहाँ पर उस सॉयल के अंदर जो कैपेसिटी है फिर से पीएच को मेंटेन करने की वो बहुत क्या है, वीक है, यही बात यहां पे कह रहा है। ओके, नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट देखते हैं हम। द सॉयल सफर फ्रॉम एक्सेस ऑफ साल्ट, यहां पर जो सॉयल है मृदा है उसमें एक्सेस ऑफ साल्ट है, यानी कि बहुत ज्यादा इसमें क्षारीय है, सैलाइन अल्कलिक सॉयल इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज एंड एसिडिक सॉयल इन सब ह्यूमिड एंड ह्यूमिड एरियाज, इन सभी एरियाज में आपका जो सॉयल है वो क्या है, सैलाइन सॉयल है, क्षारीय मृदा है, क्षारीय मृदा में हम कभी भी अच्छा प्रोडक्शन नहीं ले सकते हैं, क्रॉप्स को ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स, हम अभी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पढ़ रहे हैं बट अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले रहे हैं कि रेनफेड एरियाज में वर्षा आधारित क्षेत्रों में जो मृदा होती है वो कैसी होती है। ओके, अब आगे देखते हैं हम। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड एमिलोरेंट्स मेनली लाइम आर डिफिशियंट, ये जो आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड एमिलोरेंट्स है ये डिफिशियंट होती है, इनकी कमी होती है, एंड नीडेड सप्लीमेंट्स पीरियोडिकली, और इनको इनकी जो होती है नीड होती है सप्लीमेंट्स की, जो हम लाइम के बेसिस पे यानी कि जैसे कि चूना वगैरह उसको देते हैं तो क्या हो जाए कि वो पीएच थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। ओके, द सॉयल आर मोस्टली कोर्स टेक्सचर्ड, यानी कि जो सॉयल होती है, जो मृदा होती है वो कोरस टेक्सचर्स की होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा वो आपकी एक तरीके से कह सकते हैं बहुत हार्ड होता है। एक होता है आपका फाइन सॉयल, यानी कि जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं सॉयल में वो आपके मॉइस्चर को भी अच्छा कंजर्व करते हैं और बहुत अच्छे बेनिफिशियल होते हैं, बट आपके जो कोर्स टेक्सचर होते हैं जो एक टाइप में आप कह सकते हैं बहुत मोटे मोटे गट्ठर टाइप में आपके मृदा होती हैं वो आपकी बेकार होती हैं, यानी कि उतनी अच्छी नहीं होती हैं, उसमें मॉइस्चर जो कंजर्वेशन है बहुत कम होता है, हाईली डिग्रीगेटेड होते हैं विथ लो वाटर रेटेंसिव कैपेसिटी। ओके, मल्टीपल न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, इनमें बहुत सारी जो आपकी न्यूट्रिएंट होती हैं पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी होती है, एंड दस आर नॉट कंडक्टिव फॉर इंटेंसिव क्रॉपिंग, और ये इंटेंसिव क्रॉपिंग के लिए तो बिल्कुल ही नहीं होते हैं। तो अभी हम इंट्रोडक्शन देखें, परिचय देखें कैसे कैसे वहाँ की सॉयल होती हैं और जो आपके वर्षाधारित क्षेत्रों की जो मृदा होती हैं वो कैसे होती हैं, इनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम, बेसिकली आपको अच्छे से डिफाइन कर देंगे हम इसके बारे में। इसके बाद क्लाइमेटिक लेवल पे पढ़ेंगे कि वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है जिसकी वजह से जो रेनफेड एरियाज है वो वहाँ का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। सॉयल प्रेविलेंट इन रेनफेड एग्रीकल्चर, वर्षा आधारित कृषि में
प्रचलित मृदा। ओके, यहाँ पर देखेंगे हम कि जो वर्षा आधारित कृषि है इसकी जो मृदा होती है वो कैसी होती है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, विशेषता क्या होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनफेड सॉयल, फर्स्ट है हमारा पुअर क्वालिटी। यहाँ की जो मृदा होती है पुअर क्वालिटी होती है, यानी कि खराब उसकी जो क्वालिटी होती है। रेनफेड सॉयल आर जनरली ऑफ पुअर क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लो फर्टिलिटी, यानी कि यहाँ की जो मृदा होती है उसकी फर्टिलिटी, उसकी जो उर्वरता होती है वो बहुत कम होती है। हाई इरोडिबिलिटी, फ्रेगिलिटी एंड शेलोनेस, दे आर सस्पेक्टेबल टू फिजिकल डिग्रेडेशन। यहाँ बात कर रहा है कि उसकी जो फर्टिलिटी होती है, उर्वरता शक्ति वो कम होती है, हाई इरोडिबिलिटी होती है, यानी कि उसके अंदर मॉइस्चर कंटेनिंग नहीं होता है, सॉयल इरोजन जो हो जाता है तो इरोडिबिलिटी उसको बोलते हैं हम। फ्रेगिबिलिटी होती है, यानी कि मोटे मोटे आपके गट्ठर होते हैं जिसमें आपके मॉइस्चर कंटेन नहीं हो पाते हैं और काफ़ी दूर दूर होते हैं। एंड सेलोनेस, यानी कि ऊपर ऊपर आपके जो सॉयल होती हैं अच्छे से डीपली सॉयल नहीं होती है उसमें। दे आर सस्पेक्टेबल टू फिजिकल डिग्रीगेशन, जो कि आपका किसके कारण हो रहा है, फिजिकल डिग्रीगेशन के कारण हो रहा है, यानी कि सॉयल इरोजन जैसे हुआ, ये सब आपके किसके अंदर आते हैं, ये सब फिजिकल डिग्रीगेशन के अंदर आते हैं। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वीक बफरिंग एंड रेजिलेंस। ओके, दिस सॉयल हैव लिमिटेड कैपेसिटी टू बफर एंड रिकवर फ्रॉम डिस्टर्बेंस, यानी कि एक बार जो फॉर्म डिस्टर्ब हो गया, इसका जो पीएच खराब हो जाता है, भाई साहब मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा ये वीक है। यहाँ की जो सॉयल है, यहाँ की जो मृदा है, पीएच को मेंटेन करने के लिए बहुत ही आपका वीक शो करती है। अगर सॉयल इरोजन हो गया, ओके, हाई जैसे हाई फ्लोट्स आ गए, बाढ़ बाढ़ वगैरह आ गया, तो उसमें आपको जो सॉयल इरोजन हो गया, अब इसको क्या करना चाहिए कि नहीं यार, बफरिंग कैपेसिटी अगर अच्छी रहती है तो फिर वो पीएच को मेंटेन कर लेगा। बट यहाँ भी जो कैपेसिटी है पीएच मेंटेन करने की वो बहुत लो है। रिकवर फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस, जो कि डिस्टर्ब हो चुका है एक बार, उसको रिकवर करने का बहुत ही ज़्यादा लो कैपेसिटी है इसके पास। ओके, दे आर वेल्यूनरेबल टू चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशन। ओके, ये अपने आप को चेंज करती है एज एनवायरमेंटल कंडीशन, इसका जो शो होता है बहुत वीक होता है। थर्ड देखते हैं हम, साल्ट एंड एसिड। ओके, एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज हैव एक्सेस साल्ट, यानी कि जो एरिड एरिया होती हैं, सेमिड एरिया होती हैं, हम पढ़ें इसके पहले, अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर सभी कुछ टॉपिक हमने कवर कर चुका है। एरिड यानी कि आपके 750 mm जो बारिश होती है, और जो सेमी एरिड रीजन यानी कि 750 mm से एवब, 750 mm से लेके 1100 mm तक जो आपकी बारिश होती है, इसके अंदर जो भी जो सॉयल आती है वो एक्सेस ऑफ साल्ट, यानी कि यहाँ पे जो मृदा पाई जा रही है वो उसमें बहुत ज़्यादा क्षारीय है, बहुत ज़्यादा नमकीय सॉयल है, उसमें आपका कंडीशन क्रॉप्स का ग्रोथ होने का बहुत रेयर चांस होता है। लीडिंग टू सेलाइन एल्कली सॉयल विच सब ह्यूमिड एंड ह्यूमिड एरियाज सफ़र फ्रॉम एसिडिक सॉयल, जो आपका ह्यूमिड एरियाज है, सब ह्यूमिड एरियाज है, वहाँ पे जो सॉयल है वो एसिडिक सॉयल है। दिस कंडीशन अफेक्ट द सॉयल हेल्थ एंड न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, ये जो क्या करता है आपके सॉयल हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को भी बहुत ज़्यादा ये लो करता है। ओके, थर्ड पॉइंट देखते हैं हम, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड एमिनोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज। जैसे कि मैं बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन में ही कुछ कुछ चीज़ें इसके बारे में, रेनफेड सॉयल ऑब्टेन लैक ऑफ एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो रेनफेड सॉयल है, जो आपका वर्षा आधारित सॉयल है, मृदा है, ये आपका यहाँ पर जो इसमें कमी हो जाती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, एंड मे रिक्वायर पीरियडिकली सप्लीमेंट्स, और इसको पर्टिकुलर आपका एक एक पीरियड पे इसको सप्लीमेंट्स चाहिए रहता है। एग्जांपल जैसे आपका लाइम हो गया, चूना हो गया, इस कॉमनली नीडेड टू एड्रेस सॉयल एसिडिटी, यानी कि सॉयल एसिडिटी को मेंटेन करने के लिए, उसको कम करने के लिए, पीएच को इंक्रीज करने के लिए हम उस चूने का प्रयोग करते हैं। ओके, अब बात करेंगे हम अगला पॉइंट, कोरस टेक्चर्ड एंड हाई डिग्रीगेटेड। ओके, आपको जो सॉयल होता है वो कोरस टेक्चर्ड होता है, रेनफेड सॉयल आर मोस्टली कोरस टेक्चर्ड विच रिड्यूस देयर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जो कि आपका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को घटाता है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ की जो सॉयल होती है बहुत गठीली होती है, मोटी होती है, और जो सॉयल अगर फाइन पार्टिकल्स में नहीं है तो आपका जो सॉयल होल्डिंग कैपेसिटी होगा, सॉरी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगा, वो बहुत कम होगा। ओके, देयर आर हाईली डिग्रीगेटेड विथ मल्टीपल न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, यानी कि ये डिग्रीगेटेड होता है, इसमें बहुत सारी आपकी जो पोषक तत्वों की कमी होती है, मेकिंग देम अनसुटेबल फॉर इंटेंसिव क्रॉपिंग, जो कि आपका इंटेंसिव क्रॉपिंग के लिए बिल्कुल सुटेबल नहीं है।
तो गाइज होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनफेड सॉइल। अगर एग्जाम में आ जाता है तो एज इट इज आपको लिख देना है कुछ पॉइंट, तो या अच्छे से याद कर लो यार। याद क्या करना है, समझना है। तो हम लोग बेसिकली समझ रही हैं कि नहीं, वहाँ जो सॉइल होती है वो लो फर्टिलिटी होती है, और उसका जो साल्टी होता है, एसिडिक होता है, और दूसरा वहाँ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, कोरस होता है टेक्सचर्ड, एंड हाईली डिग्रेडेड होता है। तो ये सब सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट इज सॉइल टाइप्स इन ड्राईलैंड रीजन, शुष्क भूमि क्षेत्रों में मृदा के प्रकार। ओके, चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, रेड सॉइल, जिन्हें हम अल्फी सोल भी बोलते हैं। ओके, इसमें देखते हैं पॉइंट, मॉडरेटली वेदर्ड सॉइल डिराइव्ड फ्रॉम मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, वेदरिंग सॉइल करके आपका जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं इनको फॉर्म किया जाता है, डिराइव किया जाता है। ओके, सेकेंड है, लाइट टेक्सचर होते हैं ये सॉइल आपके, स्लाइटली एसिडिक टू स्लाइटली एल्कलाइन। ओके, यानी कि आपके स्लाइटली एसिडिक होते हैं और स्लाइटली आपके एल्कलाइन होते हैं। थर्ड है आपका, लो इन ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो लो होते हैं, जैसे सॉइल में से मृदा में जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो कम होते हैं। अब कौन कौन से, जैसे कि आपका हो गया नाइट्रोजन एंड आपका हो गया फॉस्फोरस, यानी कि ये दो जैसे होते हैं, ये दो आपके जो केमिकल है ये क्या है, ये कम है, यानी कि ये जो ऑर्गेनिक मैटर है आपकी ये क्या है, ये कम है यहाँ पे। अगर इनसे रिलेटेबल अगर आप कोई क्रॉप्स अगर लगाते हैं तो वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म वो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका सूटेबल क्रॉप, अब इसमें कौन से क्रॉप सूटेबल होते हैं, आपका है ग्राउंडनट, सॉर्गम, पियर मिलेट एंड रेड ग्राम। अब रेड ग्राम देखिए, रेड सॉइल है, रेड ग्राम ईजी याद करना ना, तो याद कर लीजिए अच्छे से। ओके, चलो देखते हैं सेकेंड, ब्लैक सॉइल, काली मृदा जो है, इंसेप्टिसोल्स एंड वेरिटिसोल्स, वर्टिसोल इसको बोलते हैं, ब्लैक सॉइल को भी इंसेप्टिसोल एंड वर्टिसोल्स। अब इसमें देखते हैं फर्स्ट पॉइंट हम, हाई क्ले कंटेंट, इसमें जो है हाई क्ले कंटेंट होता है मृदा में, न्यूट्रल टू स्लाइटली एल्कलाइन पीएच, एल्कलाइन पीएच। ओके, न्यूट्रल से लेके, यानी कि न्यूट्रल आपका 7 होता है, यहाँ से आपका जो होता है 9, 7 टू जैसे 9 गया तो आपका स्लाइटली एल्कलाइन पीएच होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इम्पेडेड ड्रेनेज लो परमिएबिलिटी, यानी कि ड्रेनेज जो होता है इसमें बहुत कम होता है, सॉरी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ड्रेनेज नहीं हो पाता है, क्योंकि आपके जो वाटर लॉक्ड हो जाते हैं कई बार, तो उसकी वजह से ड्रेनेज नहीं हो पाता है। एंड लो परमिएबिलिटी, इस सॉइल के पास जो होती है परमिएबिलिटी भी लो होती है। अगला पॉइंट आपका लो इन ऑर्गेनिक मैटर, यहाँ पे भी आपके ऑर्गेनिक मैटर कम होते हैं बट रिच इन कैल्शियम, जैसे कि आपका यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर कम है लेकिन हाई किसमें है, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया एंड पोटेशियम हो गया। तो ऐसे आप क्रॉप लगा सकते हैं जो क्रॉप मतलब टॉलरेंट है, तो वो इस कंडीशन में जैसे कि कैल्शियम अगर उसको अच्छा से परफॉर्म कर पाएगा, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, तो वो क्रॉप यहाँ पे अच्छे से ग्रोथ कर सकता है। अगला पॉइंट आपका सूटेबल क्रॉप, जैसे इसमें कौन कौन से हैं जो हम लगा सकते हैं, ग्राउंडनट सॉर्गम हो गया, ये आपके कॉमन हो गया रेड सॉइल में भी और ब्लैक सॉइल में भी। कॉटन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर एज इट इज एग्जाम में या तो एंट्रेंस में पूछ देता है तो आपको ऐसे टिक लगा देना है कॉटन का। ओके, एंड आपका एक और हो गया पल्सेस, यानी कि जो दाल हो गई है। ठीक, तो ये कंप्लीट होता है, आगे देखते हैं अनदर सॉइल। नेक्स्ट है आपका लेटराइट सॉइल, जिन्हें हम अल्टीसोल्स भी कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका, वेल ड्रेन्ड सॉइल फ्रॉम थ्रू लेटराइजेशन, लेटराइजेशन के थ्रू आपके जो सॉइल होती हैं वेल ड्रेन्ड होते हैं, अच्छे से सूखा कंज्यूम कर पाते हैं। एंड सेकेंड है एसिडिक, ये जो सॉइल होती हैं वो क्षारीय होती हैं, लो इन नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन की कमी होती है इनमें, एंड फॉस्फोरस। ओके, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी होती है इन टॉप लेयर, यानी कि अपर लेयर में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की क्या होती है, कमी होती है। रीच इन लो लेयर, यानी कि जो आपका प्लांट है, जैसे कि आपका प्लांट हो गया, ठीक, अब आपका जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, यानी कि जो एनएपी है वो आपका टॉप लेयर में अच्छा खासा है, बट रिच इन लो लेयर, सॉरी आपका जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस है ये आपका टॉप लेयर में क्या है, कम है। ओके, बट आपका रिच इन लो लेयर, यानी कि लो लेयर में आपका क्या है, ये ज़्यादा है, कौन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। अगला पॉइंट है सूटेबल क्रॉप्स, इसमें कौन कौन से क्रॉप सूटेबल होते हैं जिन्हें हम लगा सकते हैं, राइस हो गया, माइनर मिलेट्स हो गए, टी हो गया,
कॉफी एंड रबर, ओके, इन सभी आप क्रॉप्स को लगा सकते हैं लैटराइट सॉइल में। ये हम किस में बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हम ड्रेनेज सॉइल में, यानी कि जो आपका शुष्क भूमि क्षेत्र है इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ के लैटराइट सॉइल में आप इनको लगा सकते हैं। अब अगला है डिजर्ट सॉइल, जिन्हें हम एरिड सॉइल्स भी कहते हैं। इसमें देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, सैंडी टेक्सचर्ड होते हैं, यानी कि बलुई आपके टेक्सचर्ड होते हैं। लो क्ले कॉन्टेंट, यानी कि लो क्ले कॉन्टेंट होते हैं। पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर में बहुत ज़्यादा ये खराब होते हैं, पुअर होते हैं। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, जैसे आपका हो गया नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये दो ऑर्गेनिक मैटर है, ये बहुत कम होता है इनमें। अगला पॉइंट है आपका सेलाइन और सोडिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें सेलाइन और सोडिक के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, यानी कि क्षारीय होते हैं। और आपका जो अगला पॉइंट है सूटेबल क्रॉप, यानी कि इसमें क्रॉप कौन कौन से लगा सकते हैं आप, कौन कौन से फसल को उपज कर सकते हैं, बर्ले हो गया, ओट्स हो गया, मस्टर्ड हो गया, साल्ट टोलरेंट ग्रासेस जो होते हैं उनको भी लगा सकते हैं, यानी कि जो साल्ट को मतलब साल्ट टोलरेंट ग्रासेस हैं, ऐसे ग्रासेस जो घास होती हैं जो सह पाती हैं आपके किसको, साल्ट को, जो एसिडिक लेवल को, तो ऐसे भी क्रॉप्स को आप लगा सकते हैं। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट सॉइल, नेक्स्ट सॉइल है आपका सब माउंटेन सॉइल, ओके। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, ऑकर इन अनडल्टिंग लैंड्स ऑफ सब हिमालयन रीजन, यानी कि ये जो है सब हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है आपका हाई रेनफॉल एसिडिक नेचर, हाई रेनफॉल होता है यहाँ पे, एसिडिक इन नेचर, यानी कि क्षारीय है आपके प्रकृति में, यानी कि एसिडिक नेचर है ये। और थर्ड आपका लो इन अवेलेबल, यानी कि इसमें कमी होती है किसकी, नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की, ओके। सुटेबल क्रॉप कौन कौन से हैं इसमें लगाने के लिए, तो उसमें आप डबल क्रॉपिंग कर सकते हैं, यानी कि दो क्रॉप को आप लगा सकते हैं। अगला पॉइंट है आपका नेक्स्ट सॉइल है सेलाइन एंड सोडिक सॉइल, ओके। ये आपके सॉइल हैं, इसमें हम कौन कौन से लगा क्या क्या चीज़ें देख लेते हैं। पहला है अकर इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन विथ हाई टेम्परेचर, यानी कि ये आपके जो हैं एरिड रीजन में पाए जाते हैं, सेमी एरिड रीजन में पाए जाते हैं विथ हाई टेम्परेचर, यानी कि यहाँ का जो तापमान होता है वो बहुत बढ़ा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। सेलाइन सॉइल हैव एक्सेसिव सॉल्युबल सॉल्ट, ये जो सेलाइन सॉइल होते हैं इनके बहुत ज़्यादा जो मृदा होती है, इनमें बहुत ज़्यादा जो सॉल्ट्स होते हैं, जो नमक होते हैं बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, मतलब इसमें मिक्स होते हैं। सोडिक सॉइल हैव हाई सोडियम कंटेंट, और जो सोडिक सॉइल होते हैं उसमें जो सोडियम कंटेंट होता है वो बहुत हाई होता है, ज़्यादा होता है। पुअर इन ऑर्गेनिक कार्बन नाइट्रोजन एंड जिंक, और जो इसमें आपका जो कमियां होती हैं ऑर्गेनिक मैटर कौन कौन से, वो होती हैं कार्बन नाइट्रोजन एंड जिंक, इनकी कमियां होती हैं। तो ये आपका कंप्लीट होता है। हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे अभी ड्रेनेज सॉइल, यानी कि जो आपका शुष्क भूमि क्षेत्र है, इनमें जो मिट्टियाँ हैं, इनमें जो मृदा है, उनके कैसे क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ओके। सो स्टूडेंट कंप्लीट होता है हमारा ये टॉपिक, जिसमें हम देखें किसके बारे में, सॉइल कौन कौन से होते हैं, मृदा के प्रकार शुष्क भूमि क्षेत्रों में, ओके। ये आपके छह प्रकार के जो मृदा हैं, इसमें इनके क्या क्या प्रकार हैं जो आपकी शुष्क भूमि में है, और इनमें कौन कौन से क्रॉप सूटेबल है जिन्हें हम लगा सकते हैं, क्या क्या कमियां हैं, सभी कुछ देखें हम। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट इन्फॉर्मेशन फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, यानी कि शुष्क भूमि कृषि के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। अभी इन सभी सॉइल को हम पढ़ चुके हैं, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लैटराइट सॉइल, डिजर्ट सॉइल, सब माउंटेन सॉइल एंड सेलाइन एंड सोडिक सॉइल। इन पूरे आपके जो छह सॉइल हैं सभी को हम पढ़ चुके हैं, अच्छे से इनके बारे में बता चुके हैं, लेकिन एक ब्रीफ में देख लेते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है पोषक तत्वों को लेकर और इनके बारे में कुछ चीजें। सो फर्स्ट देखते हैं हम, इसमें रेड सॉइल आर लो इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स, जो रेड सॉइल है इसमें ऑर्गेनिक मैटर क्या है, लो है, एंड न्यूट्रिएंट जो पोषक तत्व हैं वो भी कम है, जैसे कि आपका हो गया नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, ओके। सेकंड आपका ब्लैक सॉइल, यानी कि काली जो मृदा है इसमें क्या लिखा गया है, ब्लैक सॉइल आर लो इन ऑर्गेनिक मैटर बट रिच इन कैल्शियम मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर इसमें कम होते हैं लेकिन कौन सा ज़्यादा होता है, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये इसमें क्या होते हैं, अच्छे खासे पाए जाते हैं। थर्ड आपका हो गया लैटराइट सॉइल आर एसिडिक लो इन नाइट्रोजन, यानी कि एसिडिक होता है, लो इन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस इन टॉप लेयर, टॉप लेयर में ये क्या होता है, लो होता है, रिच इन लोअर लेयर में क्या होता है, ये हाई होता है, ओके।
थर्ड है सॉरी आपका फोर्थ है डिजर्ट सॉयल आर पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर। डिजर्ट सॉयल जो होते हैं वो पुअर होते हैं ऑर्गेनिक मैटर को लेकर, जैसे कि आपका हो गया नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। फिफ्थ है सब माउंटेन सॉयल लो इन अवेलेबल नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, यानी कि इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की क्या होती हैं कमियां होती हैं, लो होती हैं। नेक्स्ट आपका सिक्स्थ पॉइंट सेलाइन एंड सोडिक सॉयल आर जनरली पुअर इन ऑर्गेनिक कार्बन नाइट्रोजन एंड जिंक। जो आपका सेलाइन एंड सोडिक सॉयल है इसमें ज्यादा जनरली आपका पुअर होता है ऑर्गेनिक कार्बन नाइट्रोजन एंड जिंक, इनकी क्या होती है कमियां होती हैं। सो स्टूडेंट कंप्लीट होता है हमारा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट इंफॉर्मेशन फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेट प्रेवेलेंट इन रेनफेड एग्रीकल्चर, वर्षा आधारित कृषि में प्रचलित जलवायु। ओके, इसके पहले हम बात किए हैं कि हमारे रेनफेड एग्रीकल्चर में यानी कि वर्षा आधारित कृषि में सॉयल यानी कि मृदा का क्या प्रचलन है, कैसे मतलब कि मिट्टी का क्या प्रकार है वहाँ पे, और अब पढ़ेंगे हम क्लाइमेट के बारे में यानी कि जलवायु के बारे में। ओके, चलिए देखते हैं। द क्लाइमेट प्रेविलेंट इन रेनफेड एग्रीकल्चर एरिया इज कैरेक्टराइज्ड बाई लो एंड इरेटिक रेनफॉल, हाई टेम्परेचर एंड फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि जो हमारा वर्षा आधारित कृषि क्षेत्र है वहाँ का जो जलवायु है इसको किन भागों में बांटा गया है, यानी कि वहाँ पर आपके जो बारिश हो रही है वो इरेटिक हो रही है, या तो ज़्यादा हो रही है या तो कम हो रही है, जिसके जरिए बहुत सारे चीज़ें, एक तो वहाँ का अगर कम होती है यानी कि होती नहीं है बहुत रेयर चांस में, तो हाई टेम्परेचर हो जाएगा। ओके, रेनफॉल नहीं होता है तो फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स यानी कि ऐसे भी कैसे जा रही हैं कि आपका कई टाइम तक जो है मॉइस्चर ऐसे बना है, ड्रेनेज का कंडीशन बना है, तो फ्रीक्वेंट ड्रॉट भी हो सकता है यानी कि सूखा भी पड़ सकता है। तो ये चीज़ें आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में यानी कि रेनफेड एग्रीकल्चर में जो वर्षा आधारित कृषि है। ओके, अब देखिए प्रिसिपिटेशन दिया गया है अगला पॉइंट। प्रिसिपिटेशन यानी कि जो फॉर्म ऑफ रेनफॉल होता है आपका, तो यहाँ पर दिया गया है रेनफेड एरिया रिसीव्ड रेनफॉल मेनली फ्रॉम द मानसून सीजन। मानसून सीजन में ही आपका जो रेनफॉल होता है रेनफेड एरियाज में वर्षा आधारित क्षेत्रों में, विच वेरीज इन टाइम एंड इंटेंसिटी फ्रॉम ईयर टू ईयर, जो कि आपका चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, वेरी करता है आपके टाइमिंग पर, समय क्या है, और हर साल इसका कुछ न कुछ समय बदलता रहता है। ओके, द रेनफॉल इज जनरली लेस देन 750 mm पर एनम। जैसा कि इस पे हम कई बार बात कर चुके हैं कि प्रति साल में आपका लगभग 750 मिलीमीटर से भी कम जो होता है वो वर्षा होता है आपके रेनफेड एग्रीकल्चर में। ओके, तो ये आपका मेनली कंडीशन है। यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर हमारे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, जो रेनफेड एग्रीकल्चर जो वर्षा आधारित कृषि है इसमें जो जलवायु का रोल है वो कैसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है मृदा को, ये चीज़ हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो बारिश जब होगी ही नहीं, जब आपका कम या ज़्यादा होगी, या तो काफ़ी टाइम तक ड्राउट रहेगा, तो वहाँ पर आप प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे अच्छा ज़्यादा, वहाँ पे आप यील्ड्स नहीं ले पाएंगे। ओके, मेनली हमको यही चीज़ समझना है अच्छे से, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट दिया स्टूडेंट क्लाइमेट ऑफ रेनफेड एरिया यानी कि वर्षा आधारित क्षेत्रों में जलवायु कैसा है। ओके, क्लाइमेट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर। वायु जो है वो एक तरीके का आपका बहुत बड़ा फैक्टर है इन्फ्लुएंस क्रॉप ग्रोथ, जो कि क्रॉप ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है, बढ़ाता है। फसल के विकास में एक मृदा ही तो है, एक आपका जलवायु ही तो है, यही दोनों फैक्टर हैं जो मेजर फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपके क्रॉप ग्रोथ के। ओके, यहाँ पर दिया गया है फेवरेबल वेदर इज एसेंशियल फॉर गुड हार्वेस्ट, यानी कि अच्छा मौसम ये बहुत ज़रूरी है आपके एक अच्छे हार्वेस्टिंग के लिए, अच्छे कटाई के लिए, अच्छे कल्टीवेशन के लिए। वेदर एबनॉर्मलिटीज लाइक साइक्लोन, जैसे कि कुछ एबनॉर्मलिटीज आ जा रही हैं, अब आपके बता रहा है कि क्या कारण होता है मेन रेनफेड एग्रीकल्चर में आपके क्लाइमेटिक कंडीशन का यानी कि जलवायु कंडीशन का, जैसे कि साइक्लोन्स, साइक्लोन आ जाना, ड्राउट यानी कि सूखा, हेलिस्ट्रोम्स, फ्रॉस्ट, हाई विंड बहुत तेजी से हवा आ गई, एक्सट्रीम टेम्परेचर, टेम्परेचर का अचानक से बढ़ जाना बहुत तेज काफ़ी टाइम तक, एंड इनसफिशियंट फोटोसिंथेसिस रेडिएशन, यानी कि इनसफिशियंट जितना हमें फोटोसिंथेसिस रेडिएशन चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से जो आपके क्रॉप्स हैं वो फूड नहीं बना पाएंगे, तो वो ग्रोथ कैसे करेंगे। ओके,
मे जनरली लीड टू वेरी लो और इवन नो यील्ड, यानी कि अगर ऐसा नहीं होता है तो लगभग आपको उतना यील्ड उतना आपको उपज नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर साइक्लोन आ जाता है, ड्राउट्स हो जाता है, स्ट्रॉम की कंडीशन में, फ्रॉस्ट की कंडीशन में, हाई विंड, एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड इनसफिशियंट फोटोसिंथेसिस, ये सब जो रीज़न है, टोटल जो कारण है, इनकी वजह से आपको उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये मेनली आपका ये जो है ये रोल करता है रेनफेड एरियाज़ में। अगर आपके वर्षाधारित क्षेत्रों में अगर ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं तो कहीं ना कहीं आपके यील्ड पे, आपके प्रोडक्शन पे, आपके कल्टीवेशन पे ज़रूर इफेक्ट आएगा। तो ठीक है, इन सब पॉइंट्स को आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ क्लाइमेट इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। भारत में अलग अलग प्लेस पे जलवायु के प्रकार, ओके, यहाँ पर दिया गया है रीजन यानी कि प्लेस, और दूसरा दिया गया आपका क्लाइमेट टाइप यानी कि जलवायु प्रकार। अब चलिए देखते हैं हम, सौराष्ट्र कुछ, वेस्टर्न राजस्थान, बलेरे, कर्नाटक, अनंतपुर, त्रिवुलन वैली, ओके, टीएन, ये आपका क्लाइमेट टाइप क्या है इसका, एरिड है। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट, द एरिया फ्रॉम कन्याकुमारी इन द साउथ टू पंजाब इन द नॉर्थ कवरिंग प्रैक्टिकली द होल ऑफ द पेनिनसुला ईस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट एंड गया जमुई एरिया इन बिहार, ये क्लाइमेट टाइप इसका क्या है, सेमी एरिड, ओके। थर्ड आपका नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, विदर्भांत, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द आंध्र प्रदेश एंड फ्रॉम चेन्नई टू नागापट्टनम, टी एन ये दिया गया है। ये आपका कहाँ पे पड़ता है, ये इसका क्लाइमेट टाइप क्या है, सब ह्यूमिड यानी कि मोस्ट और ड्राई, ओके। अगला आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन में वेस्ट कोस्ट एंड एडजॉइन हिल्स, यहाँ आपका कैसा कंडीशन है क्लाइमेट टाइप का, प्री ह्यूमिड एंड ह्यूमिड जोन्स। अब देखिए बेसिकली इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा ये है कि हमें पता चल गया कि कौन कौन से प्लेस कहाँ पे क्लाइमेट टाइप कैसा है और वहाँ पे हमें कैसी खेती करनी है, कहाँ पे 750 mm से ज़्यादा वाटर रेनफॉल हो रहा है सेमी एरिड में, सॉरी एरिड में, कहाँ पे आपका 750 mm से ज़्यादा हो रहा है, कहाँ कम हो रहा है और कहाँ पे आपका कैसा कंडीशन है, ये चीज़ हमें पता चल गई। इसके ज़रिए हम उन सूटेबल क्रॉप्स को वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो ये मेनली आपका ये टाइप्स हो गए आपके जलवायु के, सॉरी आपके डिफरेंट एरिया के, जहाँ जहाँ पर कौन कौन से आपके क्लाइमेट टाइप होते हैं। तो वो आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आओगे स्टूडेंट्स। अभी यार देखो हमने क्या क्या पढ़ा है, अभी हमने सॉयल का पढ़ा है, इनका रेनफेड एरिया में यानी कि वर्षाधारित क्षेत्रों में इनका क्या कैरेक्टरिसिटीज़ है और क्या ये नुकसानी करते हैं, इनमें क्या कैरेक्टरिसिटीज़ इनकी, और पढ़े हमने आपके जलवायु में इनका क्या कैरेक्टरिसिटीज़ है और कैसे ये अफेक्ट करते हैं सॉयल को। तो बेसिकली ये टॉपिक हमारा सब कंप्लीट होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।